नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बोट नेक ब्लाउज कटिंग बताएंगे। हमने इसकी लंबाई 16 इंच ली है, 15 इंच थी, 1 इंच हमने प्लस किया है। इसे हम बराबर निशान लगाकर सीधा कर लेंगे इस तरह से। और आर्महोल हमने 8 ली है, इसका शोल्डर 16 था, तो इसमें हमने आधा इंच लेकर 8.5 ले लिया है शोल्डर, और आर्महोल हमने 7.5 लिया है। ये हमारा 8.5 है, हम बराबर निशान लगा लेते हैं और सीधा करके ले लेंगे। और तीरा देखेंगे तो तीरा हम 3.5 ले लिया है, और इसकी चौड़ाई जितनी आ रही है दोस्तों उसमें हम लंबाई इसकी 2.5 इंच ली है। ऐसे गोल शेप दे देंगे हम। नीचे से नाप ले लेंगे, ऊपर से हमने 2 इंच लिया है, उसे छोटी गहराई चाहिए थी कस्टमर को तो हमने छोटी गहराई ली है। आप डीप ले सकते हैं, मुझे छोटी चाहिए थी, मैंने छोटी गहराई ली है, इस वजह से हमने नीचे से नाप लिया है। आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे। हमारा गोल शेप आ चुका है। अभी हम छाती का 4th भाग लेंगे, उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और मार्जिन के लिए 2 इंच प्लस कर लेंगे। अब कमर का भी हम 4th लेकर 1 इंच और लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस कर लेंगे। और यहाँ से हम आर्महोल में शेप देंगे। आर्महोल हमारा 7.5 है। अब हम यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़कर नाप ले लेंगे, 1/2 इंच की मार्जिन छोड़कर हम नाप लेंगे। इस तरह से हम गोलाई में नाप ले लेंगे, हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। हमारा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा ऊपर से और ले लेंगे, थोड़ा नीचे झुकाकर। इस तरह से अब हम देख लेते हैं, नीचे से और झुका लेंगे दोस्तों। मेरी बहनों, इस तरह से देखिए हमारा बराबर आ चुका है। इसे हम बराबर कर लेते हैं इस तरह से। हम झुका कर ही थोड़ा देंगे, हमारा आर्महोल की साइड उतना झोल नहीं आता। इसे अब हम कट कर लेंगे। मैं कपड़े पे सिलने के बाद ही गला कटिंग करती हूँ, तो मैं गला अभी कटिंग नहीं करूँगी। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि हमको आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के ही कपड़ा रखेंगे इस तरह से, और जैसे कि तैसे निशान लगा लेंगे रखकर कपड़े को। इस तरह से हम लगा लेंगे निशान, और तीरा जहाँ है वहाँ भी लगा लेंगे। इस तरह से लगा लेंगे, ये हो गया हमारा। उसे हटा देते हैं। अब हम योग पट्टी की तीरा लगाएंगे। तो हमारी लंबाई 16 है दोस्तों, तो हम यहाँ से 14.5 इंच के लगाएंगे योग पट्टी का। ये हमारा सादा ब्लाउज है, सादा बोटनी। इस तरह से हम योग पट्टी का निशान लगा लेंगे इस तीरा का।
और हम अभी अंदर से भी आधा इंच की गहराई देंगे ताकि हमारा झोल ना आए। आधा या पौना इंच आप ले सकते हैं। इस तरह से गहराई देते हुए हम निशान लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब गले का जितना आपको चाहिए आप उतनी लंबाई लेकर इस तरह से गोल शेप दे देंगे। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। इसके शेप दे देते हैं, थोड़ा कपड़ा बड़ा छोटा है। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी योग पट्टी निकालेंगे। पहले हम बाजू निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया कपड़े को, और लंबाई हम जितनी लंबाई रहेगी हमारी बाहीं की उसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे। इसे बराबर करके हम शेप दे देते हैं इस तरह से। सीधी लाइन मार लेंगे। अब ऊपर से हम 4 इंच का मार्जिन लगाएंगे गहराई के लिए। हमारा आर्मोल का जितना आएगा दोस्तों उसे देख लेते हैं, उसका आधा करेंगे। तो हमारा आ नहीं रहा है, थोड़ा और कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस तरह से, और देख लेते हैं। अगर 16 है तो हमारा 8 इंच आना चाहिए। देखिए हमारा आ रहा है, और 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। अब बाई फिटिंग का हमारा जितना आएगा उसका हम आधा ले लेंगे। अगर 10 है तो हम 5 लेंगे। और इस तरह से हमने गहराई देते हुए शेप दे दिया है दोस्तों, मेरी बहनों, इस तरह से देखिए। और अंदर से भी हमने 1 इंच का शेप दिया है। और इस तरह से हम कट कर लेंगे बाहीं को भी। देखिए दोस्तों, हमारा तैयार हो गया है। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। इसे भी हम गहराई से काट लेते हैं दोस्तों, मेरी बहनों, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा हो गया है ये। अब हम योग पट्टी निकालेंगे। इसे हम फोल्ड करके देख लेते हैं। हम फोल्ड नहीं करेंगे, हमारा ऐसे ही आ जाएगा। इसे हम अब सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमने 4.5 इंच पे लगाया है निशान। और इसकी लंबाई हमने कमर के हिसाब से लिया है दोस्तों। जितना आपके कमर है उतना आप लेकर उसमें 2 इंच प्लस करके उतना लंबाई ले लेंगे। और यहाँ से मैंने 3.5 इंच पे लगाया है। और इसे हम इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। जहाँ से 4.5 इंच ली है वहाँ से हम गोलाई में शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। इसे भी हम कट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए आप घर में आसानी से बना सकते हैं दोस्तों इस तरह से। ये हमारा तैयार हो चुका है। ये हमारा पीछे का भाग है और ये आगे का तैयार हो चुका है। अभी आपको दिखा देते हैं। ये हमारी योग पट्टी और ये हमारी बाही तैयार हो चुका है दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।